चेहरा और ये देखो कुछ ये हाल है आज घर का, सब कुछ कुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ हुआ है क्योंकि हमने आज सोचा आज छुट्टी है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। सुबह से बहुत शोर हो रहा है, फ़ोन पे बिजनेस चला रहे हैं आज अपना और मैक्स ने शोर अलग मचाया, ऐसे बांध के रखना पड़ रहा है नहीं तो ये हर चीज़ को छेड़ रहा है। हम बिजी हो रहे हैं और हम यहाँ सब हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो दो बज चुके हैं, हमारा खाने का टाइम होता है 1:15 बजे के अराउंड, अभी 45 मिनट ऊपर हो चुके हैं मतलब मुझे खाना नहीं मिला है। उसका कारण बताएगी मम्मा, बताओ। कारण ये है हाँ। कि आज पापा की छुट्टी थी और हाँ, छुट्टी तो है नहीं, कहाँ पे पापा, हेलो वो मिस्टर इंडिया है। छुट्टी थी मतलब छुट्टी नहीं थी, उनको जबरदस्ती बहुत ज्यादा बोल बोल के रोका गया कि घर का काम करवाना है, तो आज वो हमने अर्बन कंपनी से बुलाया था और सोफा वोफा क्लीन कराया है। ये क्या बनाया है? देखो खाना रेडी है। वाओ मम्मा मुँह में पानी आ रहा है। इसको बोलते हैं दाल मखनी। हाँ, आज दशहरा है ना, तो दशहरा वाले दिन साबुत दाल बनती है, इसीलिए हमने महाराजमा बनाया। महाराजमा दाल मखनी एक ही बात होती है, महाराजमा भी बोलते हैं इसे। मेरे लिए दाल मखनी है। अच्छा ठीक है, चलो। और फ्रेंड्स और आज मेरी लास्ट छुट्टी भी है और इतनी ज्यादा एडवेंचर है, सबसे अच्छी छुट्टी तो ये निकली। मतलब मैंने इतने आज मेरे मतलब इतने प्लान्स थे ना, मतलब लीव इट सुपर फ्लॉप छुट्टियां। जैसे आप जानते हैं आज दशहरा और सारा काम हो गया अब, लेकिन आज बहुत लेट काम हुआ। वो लेट इसलिए हुआ क्योंकि आज हम साफ सफाई में लगे हुए थे, दशहरा आ गया है, 15-20 दिन रह गए हैं और बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इस करके अब हमें जल्दी से जल्दी अपना जो काम हमने उठाया हुआ है 15-20 दिन से ऊपर हो गया, मुझे कभी कुछ कभी महीना ही हो गया साफ करते। तो पापा ने आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दी, वो ये हेल्प ये करा दी कि ये देखो सोफे वोफे सब ड्राई क्लीन हो गए हमारे, बहुत गंदे हो रहे थे। वो साथ में घर बनना है ना, दो घर बन रहे हैं तो उसकी वजह से ना बहुत हमारा घर का ड्राइंग रूम भी आ गया, तो इतनी मिट्टी हो गई थी, पूरे सोफे अच्छे से गंदे हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे थे बस करो दया खाओ, अब कंस्ट्रक्शन हो गई है, अब तो अंदर ही काम हो रहा है जो होना है, बाहर बस इधर थोड़ा सा रह गया। तो ये देखो एक मिनट चुप हो जाए, इतना शोर मचा रहा। बहुत अच्छे से क्लीन करके गया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अब बस लंच करेंगे। ये देखिए ये मम्मा ने इतने यहाँ तक सारे पकोड़े भर रखे थे, मम्मा ने सारे खा लिए, सारे के सारे एक भी नहीं छोड़ा। पहले हम वीडियो बनाना रह गई, अब तो खत्म हो गए। ये देखो ये पापा ने आज ब्रेड पकोड़े आलू वाले घर में बनाए, बहुत स्वाद बनाए थे, बहुत स्वाद। और फ्रेंड्स टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय दशहरा हॉलीडेज, कल से मुझे स्कूल जाना है। देखिए इसमें ये देखिए ये चार ही बचे हैं अब, और वो देखिए वो हमारा मैक्स शो बैठा, मैक्स शो वो उसकी टॉर्च जल जाती है, देखो लाइव रावण जलते हुए, दिखाओ रावण जी दिखाओ, अभी हम घर बैठ के पटाखों के मजे ले रहे हैं, अब बस रावण ही जलेगा। चलो भाई रावण जल गया, दशहरा बन गया हमारा घर पे ही। ओहो ये रामलीला ग्राउंड में हो रहा है यार, मैं केजरीवाल। ओहो ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, मौज कर दी। मुझे लग रहा है कभी किसी और ग्राउंड को दिखा रहे हैं, कभी किसी और ग्राउंड को दिखा रहे हैं। हाठा हो गई नहीं, वो ही है, मौज कर दी। ऐसे भी चलाओ स्कूल में, केजरीवाल जी खुश हो गए भाई। ओहो ठाठा हो गई ओए। अरे तबाही आग। तो फ्रेंड्स देखो लाइव रावण जलता हुआ, केजरीवाल जी वहां बैठ के आनंद ले रहे हैं। आजम भीड़ भड़क के और पोल्यूशन से बचते हुए महेंद्र भारती सोमू और मैक्सो और हमने मजे लिए। जय बोलो भगवान रामचंद्र की जय। रावण जी आ गए। ओहो साइड वाले रह गए। ओहो गलत लगा दिया।
ओ गाय तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले आहा चिकनक 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 आ यार बड़ी जलन होती है फ्रेंड्स, ये देखो इतने से जलने में इतनी जलन हो रही है मुझे। ये देखो फ्रेंड्स रावण की बिचारे की तो हो गई बल्ले बल्ले। वो छोटू कौन था? तीन तीन छोटे हैं। वो लंबा वो रावण पहले से जला दिया यार। मैं माँ को भी कुछ खाएंगे राम दूध खाते हुए तो भी एक लोग जला रहे हैं फुल। सियापति रामचंद्र की जय। कौन सा जला अब आज वहाँ जाने के लिए कोई जला कोई जली अच्छा अब वो जला छोटू जल रहे हैं सारे। रावण तो पहले ही जल गए जी। रेड फोर्ट दिल्ली जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्री होगी विजय आरती पूजा पवन पुत्रिया। मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और नवकुश रामलीला कमेटी को अपना आशीर्वाद दे और दो सख्त पब्लिक को दशहरे के मौके पे तो खड़ा ही रह गया। दो खड़े रह गए उनको तो टाटा वो दो लो, वो एक पीछे भी है छोटू। चंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सो पापा बोलेंगे पापा पापा जय श्री किसी मेरी ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ रामलीला देखने आए हुए हैं। ये बहुत जरूरी है। मेरे को याद है बचपन में कोई नहीं जाएगा पीछे एकदम। बीच में अभी कुछ ही क्षण में फिल्मी जगत के कलाकार परवाल जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। कौन? आप शांति से बैठिए। शांति आप कौन से मिलवाएंगे उसको वो अच्छा। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि आराम से आप शांति से शांति का योगदान दीजिए और अभी कुछ ही क्षणों में प्रभात जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। प्रभात कौन है पता नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जय। मजा नहीं आया यार प्रभात जी के सामने भी ऐसे ही बोलोगे तो कहीं ना दिल्ली वालों में तो दम ही नहीं है बोलने का। देखिए वो आपसे मिलने के लिए बाहुबली वाला केवल दिल्ली वालों से मिलने के लिए वो आ रहे हैं। उसे मूवी आई आदि पुरुष प्रभात जी से तो मिलते जाओ। पापा को बड़े मजे आ रहे हैं देख के। प्रवेश जी प्रवेश कहाँ से आ गया? चालू करें। कौन प्रवेश प्रभाल कौन है? प्रवेश जी से पूछ रहे हैं। प्रवेश जी कहाँ से आ गए सर में? लॉरियल 3.16 वाइट ब्राउन बहुत अच्छा कलर आप भी लगाए बुढ़े से जवान बन जाए। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लगाया है फ्रेंड्स। इसको तो कल बाल कटाने का भी टाइम मिलता और ये मैं डालूंगी और मैम देखेगी इसकी मैम को भी पता चलेगा कि सोमू जो है ये कटिंग नहीं करवाता। मैम ये इसको कह रहे हैं ये कटिंग नहीं करवाता ये आलस करता जाने का तो इसको अच्छे से डांटना स्कूल में। इसको ग्राउंड के चार चक्कर लगवा देना। इधर मुँह करिए सोमू मैम इसके चक्कर लगवाना स्कूल में। पापा आज बहुत जवान बन के आए हैं कटिंग शटिंग करा के कल मैं भी करूंगी। पापा अपना टाइम निकाल लेते हैं हीरो बन जाते हैं और मैं ऐसे रह जाती हूँ। मैं भी करवाऊंगी कटिंग भी कराऊंगी कलर भी कराऊंगी। ये देखो सारे वाइट हो गए ना। फिर ये बड़ा चक्कर होता है यार बार बार वाइट हो जाते हैं है ना। कोई बात नहीं कल करूंगी मस्त। ये हीरो देखो कल से जाएगा स्कूल। ये कैसे करता सुनो ये
तो फ्रेंड्स 7:30 हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने, मिलूंगा आने के बाद। बाय। हो गया अभी अभी पापा के साथ कटिंग कराने पर, वो बहुत गुस्से में है क्योंकि चारों छुट्टियां निकल गई और उसका कोई काम नहीं हो पाया, और कोई काम नहीं हो पाया इस वजह से वो गुस्से में है। उसको मेन शूज लेने थे, उसके पास ना सच में शूज नहीं है, तो कहीं आना जाना होता है तो उसे दिक्कत होती है, तो बस यही प्रॉब्लम थी। और वैसे भी चार छुट्टियों में ना पापा को टाइम मिला और मेरे साथ ये हो गया, तो मार्केट कैसे उसको लेके जाते करते, तो बस इसी कारण वो गुस्से में है। कोई बात नहीं, इस सैटरडे संडे ज़रूर उसका काम कराएंगे हम पक्का, ये सैटरडे संडे उसके नाम। चलो मिलते हैं जब वो आता है, देखते हैं कटिंग करा के कैसा लगता है, थोड़ा शांत हुआ कि नहीं। मैक्स मिली मिली कर रहा है सोमू से, और सोमू देखो पता है जब मैंने अभी तू आया तेरे को क्या कटिंग दिखा, तो मैं कैमरा नहीं ऑन था, दोबारा से करा मैंने। तू तो स्मार्ट लग रहा है, दिखा तो पीछे से दिखा, हल्का हल्का लग रहा है सर कुछ। अच्छा सुन सर, बाहर बार से हल्का लग रहा है कि अंदर दिमाग से भी कुछ हल्का हुआ है? और क्या तुम्हें क्या हो गया? सोमू कटिंग करा के आ चुका है, दशहरा पूरा बन चुका है, तो इसके साथ ही आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। ओके बाय।